नेक्स्ट ईयर आर की बात करें हम, तो नेक्स्ट ईयर आर जो है ये है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का सिलेबस है। इसमें आपको इंग्लिश में से 10 नंबर का आ जाएगा। यहाँ पे व्हीकल मेंटेनेंस 10 नंबर का है। बेसिक कोर्सेस इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 20 मार्क्स का है। अप्लाइड कोर्सेस इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 40 मार्क्स का है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको 20 मार्क्स का है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे 20 मार्क्स का है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर टी की बात करें तो नेक्स्ट ईयर टी हमारे पास एसआई का सिलेबस है। तो एसआई का सिलेबस हम देखेंगे, इसमें हमें 120 मार्क्स होंगे, जिसमें से हमें टाइम मिलेगा 2 घंटे का, दैट मीन्स 120 मिनट मिलेंगे। इसमें आपको इंग्लिश में से 20 मार्क्स का आ जाएगा। ये यहाँ पे टॉपिक दिए हैं इंग्लिश के। जनरल नॉलेज में से आपको 20 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज में ये आपको टॉपिक्स हैं, सारे जनरल नॉलेज के टॉपिक्स हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर यूटी में से 20 नंबर का आपको आ जाएगा। जनरल साइंस में यहाँ पे टॉपिक्स हैं, इसमें से 20 नंबर का आपका आ जाएगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में 20 नंबर का आपका आ जाएगा। इसमें जितने भी टॉपिक हैं मेंटल एबिलिटी के, इनके सबके मैंने वीडियो लेक्चर्स बना लिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको 20 नंबर का इसमें आ जाएगा, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन को भी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ईयर बी जो है, नेक्स्ट ईयर बी हमारे पास है इंस्पेक्टर सेल्स टैक्स। इंस्पेक्टर सेल टैक्स में आपको 30 नंबर का जनरल अवेयरनेस है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स आपको 30 नंबर का है। जनरल इंग्लिश आपको 10 नंबर की है। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट्स आपको 10 नंबर का है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपको 10 नंबर का है। कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको 10 नंबर का है। टोटल आपको इसमें से 100 नंबर है, ठीक है। तो ये आप नीचे टॉपिक देख सकते हैं, अकाउंट्स के हैं ये, इंग्लिश के हैं ये, कॉन्स्टिट्यूशन के हैं ये, रीजनिंग के हैं ये, कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर एच की बात, डब्ल्यू की बात करें तो ये सारे आपके पास यहाँ पे सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं और इसका जो मार्क्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट ईयर एक्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपको टॉपिक्स दिए हैं, मार्क्स दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाई का हमारे पास है, नेक्स्ट ईयर वाई का जो सिलेबस है, यहाँ पे वाई का सिलेबस दिया है। ये टॉपिक्स दिए हैं, एप्टीट्यूड के टॉपिक्स हैं, कुछ कुछ टेक्निकल के टॉपिक्स हैं, ये सारे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ये सारे टॉपिक्स का सिलेबस जो है हमारे पास खत्म हो जाता है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स मिल सकें। थैंक यू।